दोनों जाने से पूरा टाइम खेलेंगे, चाहे 9 गोल हो चाहे 15 गोल हो, 50 मिनट। कासिम शमाइल, इम्तियाज बाबू, राजा जाफर खान, राजा जुनेद एक साइड खेलने में कामयाब, सही कमाल के पास जोरदार हिट, एक दफा फिर डॉक्टर स्कर्दो के लाइन गोल लाइन पर हमला और वजीर आप पे, जबकि स्कर्दो भी में खेल रहे हैं। जनाब कमिश्नर पाकिस्तान रिजेंस आलम साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो भी प्लेयर गोल का हिट यानी डहोक से अगर दूसरी साइड पे गोल करेगा तो उसके लिए मुबलक 10,000 रुपए नकद इनाम दिए जाएंगे। ये कमिश्नर पाकिस्तान जनाब शुजा आलम साहब की तरफ से ऐलान हुआ है और ये पहला स्कोर किया गया है और इस तरह स्कर्दू मकबूल का पहला गोल, स्कर्दू अंजन का पहला गोल बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाल को एक बेहतरीन गोल की तरफ मोमेंट बनाते हुए गोल किया और दफा ला रहे हैं जनाब राजा जाफर खान मकबूल और घोड़े को दबाते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदर सेंटर लाइन से बाल को हुक किया लेकिन खेलने में नाकाम। इस तरह इम्तियाज बाबू के पास गेंद और खूबसूरत शॉट अपने गोल की तरफ बेहतरीन मोमेंट बनाते हुए, लेकिन देखना ये होगा कि सिकर्दू बी के प्लेयर जिसको वापस करने में कामयाब होते हैं कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसको थरुपला किया फॉरवर्ड से और एक बेहतरीन कश्मकश जारी। इस तरह बाल ख्वाजा के पास पहुंची थी, बहुत अच्छी खूबसूरत शॉट अमजद का और अमजद बेहतरीन पोलो प्लेयर हैं, रवा साल इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और वो बाल को वापस किया एमटी की तरफ से। स्कर्दू अंजन के प्लेयर हैं एमटी, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं और आगे आबिद की तरफ से शॉट खेलते हुए अपने गोल पोस्ट की तरफ आगे गोल को धकेलते हुए और बेहतरीन मोमेंट बनाई है। इस तरह गोल पोस्ट के बिल्कुल करीब पहुंचे हैं और सुकून का इशारा देखना होगा, बाल को वापस कर दिया गोल इन की तरफ से, गेंद वापस आ गई और इस तरह बहुत ही अच्छा और खूबसूरत शॉट हमें देखने को मिला दूसरी गेंद के लिए। मुकाबला 1-0 स्कर्दू अंजन 1 स्कर्दू 0। खूबसूरत शॉट आबिद की तरफ से, हाजी गुलाम एंडसन्स की जानिब से सईद कमाल शाह को बेहतरीन खेल पेश करने पर ट्रॉफी का इनाम का ऐलान हुआ है। ट्रॉफी हमारे सामने आ चुके हैं, मैं हाजी गुलाम एंडसन्स जनाब मज़ाहिर हुसैन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जा रहे हैं उस्ताद करीम, उस्ताद अली हसन और अब्बास, बल्कि मौसिकी जिसमें उर्दू गजल भी बीच बीच में ये लोग गा लेते हैं और साथ ज़्यादातर बल्कि मौसिकी से खिलाड़ियों के दिल गरमाते हैं। अपने आबाओ अजदाद के रिवायात को इस गीत के ज़रिए बयान करते हैं। हर इलाके के अपने इलाकाई मौसिकी
और साजो सामान होते हैं बल्तिस्तान सरजमीन में, खूबसूरत गीत, पहाड़ी गीत, बागों के गीत, फूलों के गीत, नदी नालियों के गीत, और एक दूसरे से मोहब्बत और जुदाई के गीत हमारे अपने इलाकाई मौसीकी के अंदर मौजूद है। अब सुनने के लिए ये कान कम रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान में ख़त्म होते ये मौसीकी को ज़िंदा रखने के लिए तमाम अहलियान पाकिस्तान अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देख रहे हैं कि इन जो हुनरमंद लोग हैं इनको मुख्तलिफ महकमों में जगह दें ताकि मुख्तलिफ वक्तों में ये अपने इलाके के वो रिप्रेजेंट करें। गोल करने में कामयाब, दूसरा गोल करने में कामयाब, अंचन की टीम ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और गोल कर दिया। इस तरह स्कर्दु अंचन 2 स्कर्दु 0 स्कर्दु अंचन का ताल्लुक जो है गिलगित बल्तिस्तान के माने जाने हुए खिलाड़ी भी शामिल होते हैं और ये हिट बिल्कुल गोल के जानेब। जोरदार हिट आविद की जानिब से लेकिन गोल लाइन से बाहर। कमिश्नर साहब की तरफ से हौसला अफजाई की है कि जो भी हिट से गोल करेगा इनके लिए 10,000 रुपये का ऐलान किया है। ये कम ही होता है, अगर हो गए तो इनके हौसला अफजाई के लिए बहुत बेहतरीन इनामात का इंतज़ाम यहाँ किया है हमारे ज़िली इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारों ने और अहलियान बल्तिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे बीच में आवाम के बीच में आते हैं और आवाम के इलाकाई खेलों को फ़रोग देने के लिए और दिगर खूबसूरत मैचेस रखते हैं और इलाकाई सकाफती सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं और साथ ही स्कूलों में फेस्टा के नाम से फेस्टिवल हो रहे हैं, इसको भी ज़िले इंतज़ामिया के मदद हासिल है। हाई स्कूल नंबर 1 में डिप्टी कमिश्नर साहब स्कर्दू इस वक्त स्टेज पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं पुलिस स्टेशन और हमारे यहाँ बैठे हुए तमाम मेहमानान की जानिब से अहलियान बल्तिस्तान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू को खुश आमदीद कहता हूँ। शेर यार शेराजी, हम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं अपने इलाके के खूबसूरत इस इलाकाई खेल फ्री स्टाइल पोलो देखने के लिए। आप अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर अवाम के बीच में आप तशरीफ़ रखें और साथ ही मैं ये बता रहा था स्कूलों के अंदर फेस्टा के नाम से खूबसूरत फेस्टिवल और स्कूल के बच्चों के लिए सरगर्मियाँ, मुख्तलिफ़ महकमों के विज़िट और खेल और लेक्चर्स और साइंस के हवाले से कंप्यूटर्स के हवाले से बहुत खूबसूरत गेमा गेमी हाई स्कूल नंबर 1 में जारी व सारी है। इसका इंशाल्लाह 13 तारीख को आखिरी दिन होगा, इसमें हमारे मेहमानान तशरीफ़ लाएंगे। स्कूलों के बच्चों को आपने भरपूर हौसला अफजाई की, आपने फोटो सेशन किया, आपने सीट पर बिठा कर इनको ये दिया दिया कि अगर आप अच्छे तालीम हासिल करेंगे तो आप इन सीटों का आप अमीन है। मैं इस खूबसूरत फोटोग्राफी को देखकर इंतहाई खुशी महसूस हुई कि ये पहली बार स्कूलों के गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को आपने भरपूर हौसला अफजाई की है और इस तरह इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आइंदा साल भी
मुख्तलिफ इसमें विजिट करेंगे। न सिर्फ खेल होगा बल्कि तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज से हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा गोल, तीसरा गोल स्कर्दू ए खामोश और अंचन के जानिब से बहुत भरपूर हमले हो रहे हैं। खूबसूरत बढ़ती धुन में अली हसन उस्ताद अली हसन खूबसूरत गुलाम हुसैन बलगारी के लिखे हुए खूबसूरत बलती गजल को इस वक्त गुनगुना रहे हैं। भरपूर हमला गोल और ये स्कोर किया गया चौथा स्कोर गोल कर दिया एक चार। राजा जाफर अली खान की क़यादत में खेल रहे हैं अंचन के खिलाड़ी इस वक्त चार गोल करने में कामयाब हुए हैं। स्कर्दुए सिफिर इम्तियाज बाबू स्टेज से बाल फेंक रहे छोटे उनसे गुजारिश है कि आप बाल फेंक कर दोबारा गेम को स्टार्ट करें। गेम ग्राउंड से बाहर चले गए हैं। कासिम शुमाइल राजा जाफर अली खान गेंद को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद यूसुफ बीट हो गए हैं। इस तरह असना में एक दफा फिर गोल लाइन पर हमला और मकपन पोलो ग्राउंड के चारों तरफ शायकीन पोलो अपने इलाके खेल को देख रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर है वो अपने इलाकाई खेल पेश कर रहे हैं कशमकश एक दूसरे से। वजीर काजिम ये इनके साथ साथ खूबसूरत चार स्कर्दू अब तक चार गोल करने में कामयाब हुए हैं जबकि स्कर्दू भी अब तक कोई गोल करने में कामयाब नहीं हुए। फर्स्ट अली शेर खान अंचन इंटर डिस्ट्रिक्ट पोलो टूर्नामेंट 2023 इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में हमारे साथ ताउन किया है जिले एडमिनिस्ट्रेशन महकमा पुलिस बल्दिया टूरिज्म महकमा पुलिस और बल्दिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और इसके अलावा
वेस्ट मैनेजमेंट और महकमा बरकियात, ये इनके काविश से आज का ये खूबसूरत टूर्नामेंट मनाकद हो रहे हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 23 टीमों ने हिस्सा लिया। गिलगित, रंदू, शिगर, खापुलो, हर जिले से टीमें आए हैं। इसमें आज फाइनल का मुकाबला जो है स्कर्दू के दो टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। हमारे मुआज़िस मेहमान ग्रामी जो यहाँ पे हमारे दरमियान स्टेज पे मौजूद हैं, जिनमें नवीला नूर साहिबा, यूसुफ नवाज़, हनीफ शिगरी साहेब, ये पाकिस्तान रेलवे पुलिस के अफसरान हैं जो हमारे ट्रैफिक अवेयरनेस को उजागर करेंगे यहाँ पे और हमारी खदमात कर रहे हैं। उनको तहे दिल से यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब नवीला नूर साहिबा, यूसुफ नवाज साहब और हनीफ शिगरी साहब, ये हैं पाकिस्तान मोटरवे पुलिस के ऑफिसरान जो ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से बल्तिस्तान और खुसूसन बल्तिस्तान के अवाम को अवेयरनेस देने के लिए तशरीफ़ रखे हुए हैं, जो हमारे दरमियान यहाँ स्टेज पर मौजूद है। जनाब कमिश्नर शुजा आलम साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, यानी कि जो बंदा गोल करने के बाद जो हिट करके यानी डबल से दूसरी साइड पे गोल करेंगे, उस खिलाड़ी के लिए मुबलग 10,000 रुपए का खुसूसी इनाम दिया जाएगा। इस तरह से कर दो अंचन का छठा गोल और अजीर काजिम बपो की तरफ से डफोक और खूबसूरत डफोक के साथ गोल से तकरीबन 2 या 3 फुट के फासले पर रह गए। अगर खुशकिस्मती इसका साथ देती तो तकरीबन ये गोल हो जाता और 10,000 रुपए के इनाम का मुस्तहिक बन जाता, लेकिन लेकिन ये वन साइड इस तरह से कर दो अंचन का अब सातवां गोल और सिकर्दू अंचन सातवां गोल करने में कामयाब हुआ है, जबकि सिकर्दू खरफोचो अब तक कोई भी गोल करने में कामयाब नहीं हुआ। 7-0 से मुकाबला इस वक्त मकोन पिलो ग्राउंड में जारी है। बहुत ही खूबसूरत मुकाबला जारी है। अब डफोक ला रहे हैं वजी सईद कमाल शाह का खूबसूरत डफोक और गोल की तरफ बढ़ते हुए, देखना यह है कि ये गोल की तरफ होता है या कि आउट की तरफ, लेकिन ये आउट कर गया। अगर गोल की तरफ जाते तो 10,000 रुपए के इनाम का हकदार बन जाता। तो यहाँ पे एक ट्रबल देखने को मिल रहा है। अगर सिकर्दू के ये दोनों मायानास पोलो टीमें बराबरी पे चलते तो शायकीन के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खेल देखने को मिलता, लेकिन बेड लक्स सिकर्दू खरबट चुकी टीम अब तक कोई गोल करने में कामयाब नहीं हुए, अब तक 8वां गोल कर चुके हैं। और डफोक ला रहे हैं इम्तियाज बाबू, ये बहुत ही माइनस पोलो प्लेयर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, बल्कि ये गिलगित बल्तिस्तान लेवल के ए लेवल के प्लेयर हैं और खूबसूरत हिट की है। इस तरह इम्तियाज बाबू की हिट गोल के तकरीबन करीब तक पहुँच गए, लेकिन गोल करने में नाकाम हुए। और अब देखना यह है कि सिकर्दू खरफोच की टीम कोई गोल कर पाती है या कि नहीं। आज और ख्वाजा शमाइल ने खूबसूरत शॉट खेलते हुए गेंद को ग्राउंड से आउट करा दिया। अब दूसरी गेंद यहां से फेंकना पड़ेगा। आ जाइए, आप लोगों के लिए गेंद तैयार है।
फैज अली शेर खान अंचन इंटर डिस्ट्रिक्ट पोलो टूर्नामेंट का आज फाइनल खेला जा रहा है। ये टूर्नामेंट तकरीबन पाकिस्तान भर गिलगित पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ टीमों ने पार्टिसिपेट की थी, जिनमें गिलगित गांछे शिगर और सिकरदू की टीमों ने शिरकत की थी और सब टीमों को शिकस्त देते हुए ये दोनों टीमें आज फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे। सिकरदू अंचन और सिकरदू खरपुचू जो बहुत ही खूबसूरत खेल पेश कर रहे हैं यहाँ पे मापोन पुलो ग्राउंड में। इस इवेंट को कामयाब कराने में हमारे साथ टाउन रहा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गोल कर दो अंचन खरफटो की तरफ से और डेफोल आगा जाफर और खूबसूरत डेफो हिट गोल की तरफ रवान दवान गेंद बेहतरीन मोमेंट बनाई है गोल की तरफ, लेकिन देखना यह है कि लेकिन स्कर्दो अंचन के खिलाड़ी इम्तियाज बाबू ने गेंद को वापस कर दिया। अमजद गेंद खेलने में नाकाम हुए, इस तरह अगर ये शॉट लग जाती तो यकीनन गोल की तरफ और एक साइन आपको मिल जाती। यूसुफ की तरफ से खूबसूरत शॉट, इस तरह अब गेंद में काफी ट्विस्ट आ गई है और मोमेंट बनाई है बेहतरीन गोल की तरफ और गोंद को वापस किया, गोल होने से बच गए। सिकरदू अंचन की टीम ने गेंद को फिर वापस कर दिया और अब के बार ख्वाजा शमाइल के पास गेंद पहुंची है, ख्वाजा गेंद को वापस कर दिया, ख्वाजा शमाइल भी खेलने में नाकाम हुए। इस तरह एक कशमकश जारी है गोल के बिल्कुल नज़दीक में, गोल पोस्ट के नज़दीक में गेंद पहुंची हुई है, देखना यह कि गोल होती है या वापस करने में सिकरदू अंचन कामयाब होती है। इस पोलो टूर्नामेंट को मुनक्कद कराने में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जनाब कमिश्नर पाकिस्तान रीजन जनाब डिप्टी कमिश्नर सिकरदू, जिली इंतजामिया के दूसरे अफसरान, सेक्रेटरी टूरिज्म और टूरिज्म डिपार्टमेंट, इसके अलावा बल्दिया सिकरदू और यहां सिकरदू के सरकारी महकमे पुलिस की डिपार्टमेंट के का बड़ा यहां पे किरदार रहा है। ट्रैफिक पुलिस का इंतहाई मशहूर है कि उन्होंने यहां पे बड़ा किरदार अदा किया यहां पे ट्रैफिक को बाहर रखने में। जनाब सपोर्ट ऑफिसर हसन अली साहब के इंतहाई मशहूर और ममनून हैं, आपका अगर नाम ना लें तो नाइंसाफी होगी। आप शुरू दिन से यहां पे इस खेल को और इस इवेंट को कामयाब कराने के लिए हमारे दरमियान मौजूद रहे हैं और लम्हा वर हम बाखर सॉरी सपोर्ट ऑफिसर बाखर साहब का तहे दिल से मशकूर हैं, आपने लम्हा वर हमा यहाँ पे हमारे साथ ताउन करके इस पोलो टूर्नामेंट को कामयाब कराने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और इस तरह वजीर बापो काजिम के पास गेंद पहुंची हुई है और उन्होंने गेंद को वापस करा दिया और खूबसूरत शॉट अमजद का। अमजद है सिकरदू मापोन के प्लेयर, बहुत ही खूबसूरत शॉट और इस तरह दूसरा गोल करने में कामयाब हुआ सिकरदू खरफोचो की टीम, बहुत ही खूबसूरत। आवाम की क्राउड आपके साथ है, आपने बहुत ही खूबसूरत शॉट खेलते हुए गोल किया सिकरदू खरफोचो, आपको मुबारकबाद देते हैं, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह रवान दवा रहिएगा, अपनी कोशिश को जारी रखिएगा।
बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत, और अमजद ने शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हुआ, इस तरह गेंद को वापस कर दिया। जनाब डिप्टी कमिश्नर शहरियार शेराजी साहब, आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने इस टूर्नामेंट को बहसन तरीक बेहतरीन तरीके से कामयाब कराया है, थैंक यू वेरी मच। पहला हाफ का आखिरी लम्हात, स्कर्दू अंचनाट और स्कर्दू खरपचो दो, छह गोल के खसारे। आगा जाफर खेल को खेलने में कामयाब हो गए। वजीर खूबसूरत शॉट, आप देख रहे हैं कि एक नंबर के खिलाड़ी साथ साथ बहुत खूबसूरत लॉन्ग शॉट, वजीर काजिम छह नंबर के खिलाड़ी एक नंबर के खिलाड़ी के पीछे करते हुए दिफाई अंदाज में खेला पांच नंबर के खिलाड़ी ने। इंतहाई तजुर्बार कार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्कर्दू अंचंद, राजा जाफर अली खान, आबिद सईद कमाल शाह, वजीर काजिम, इम्तियाज बाबू, गिलगित पर हेलो
हाजी गुलाम हुसैन एंड सन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिनके एमडी मजाहिर हुसैन साहब हैं, की तरफ से सईद कमाल शाह को बेहतरीन खेल पेश करने पर एक ट्रॉफी जो हमारे पास आ गए हैं बाद में उनको दिया जाएगा। हमारे पास यहाँ पे अवान की तरफ से एक दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है पर्ची की शक्ल में, जनाब शहरिया शेराजी साहब डिप्टी कमिश्नर और शुजा आलम साहब कमिश्नर, आप दोनों से बल्तिस्तान भर के पूरी अवाम दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी यहाँ पे तारीबन बत्ती म्यूज़िक ख़त्म होने को तैयार हैं और थे, तो इसमें उस्ताद अली हसन का बड़ा किरदार है, उसने मौसीकी को अब तक ज़िंदा रखा हुआ है। हमारी पूरी बल्तिस्तान के शायकीन और आवाम की तरफ से आप दोनों को बजरे दरख्वास्त इस्तदा करते हैं कि बराए मेहरबानी उनकी जॉब के लिए या उनकी रिज़्क रोटी के लिए मुनासिब इंतज़ाम फरमाया जाए। ये आपको पूरी बल्तिस्तान के आवाम की तरफ से एक रिक्वेस्ट यहाँ पे हमारे पास मौसूल हो चुकी हैं जनाब कमिश्नर बल्तिस्तान साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब, आप दोनों से बदस्ता आर्ज हैं। थैंक यू वेरी मच।
बलूचिस्तान के खूबसूरत वादियों में अपने लोकगीत और गज़लों पर मुश्तमिल ये जो कारीगर है उस्ताद करीम, उस्ताद अली हसन और उस्ताद अब्बास, ये इस कद्दू में आखिरी उम्मीद रह गए हैं। जिस वजह से उस्ताद अली हसन का ताल्लुक जो है रुंदू से, इनको स्पेशली यहाँ पे लाया गया है ताकि यहाँ के जो खूबसूरत इवेंट्स हैं इनको कामयाब करें, लेकिन माली हालात के नागुफ्तगी और हालात के मुश्किलात की वजह से राजा जाफर अली खान और अहलिया ने बलूचिस्तान की जानिब से जनाब कमिश्नर साहब को इंतहाई दिल की गहराई से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस नौजवान मौसीकार को किसी महकमे में जॉब दिलाए जाएँ ताकि हमारे डूबते हुए मौसीकी है वो जिंदा ले सके। शायकीन और पाकिस्तान के आवाम एक खुशखबरी सुन लीजिएगा, अभी अभी कमिश्नर पाकिस्तान रीजन और डिप्टी कमिश्नर से कर्दू की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, वो ये है कि हमारे मौसीकी के दिलदादा और आवाम की जान उस्ताद अली हसन के लिए जॉब का मुनासिब बंदोबस्त किया गया है और इंशाल्लाह ताला ऑर्डर करने वाले हैं, ये इनका पक्का वादा हुआ है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, उस्ताद अली हसन के लिए जॉब लग चुकी, उनके साथ उनका एक और रफी भी शायद कमिश्नर पाकिस्तान साहब अर्ज कर रहे बता रहे थे कि वो भी इंशाल्लाह लगवा देंगे। उस्ताद अली हसन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। शुक्रिया बलूचिस्तान के आवाम, शुक्रिया हमारे सरपरस्त आला जनाब कमिश्नर बलूचिस्तान कि आपने एक गरीब आदमी के दरख्वास्त को सुनी और आपने ऐलान किया है। इंशाल्लाह ये ऐलान वफा करते हुए हम देखेंगे और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पुलिस स्टेशन खुसूसन राजा जाफर अली खान और हमारे पोलो के तमाम खिलाड़ी उस्ताद अली हसन जो है हमारे हमेशा हमारे साथ होते हैं और बलूचिस्तान के खूबसूरत नगमों को आप जा बजा बाजे के ज़रिए सुनाते हैं। पहला हाफ का खात्मा, दूसरा हाफ इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में हमारे साथ ताउन किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म कल्चर डिपार्टमेंट्स कर्दू, बल्दियास कर्दू, महकमा सेहत, महकमा बल्दिया, महकमा बरकियात, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर डीएसपी सैयद अकबर शाह साहब का भी इंतहाई मशहूर है कि आप हमारे साथ शाना बशाना खड़ा है। और हमारे आज के स्पेशल मेहमान जो हमारे लाहौर से तशरीफ लाए हैं जनाब मियां साकिब साहब, कि आप और आपके अहलिया इस वक्त पंकज पोले ग्राउंड में मैच देख रहे हैं और हमारे कदरदान फाउंडेशन के लाहौर के सदर जनाब दानियाल शाह साहब, नासिर मेहदी साहब यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है और इसके अलावा बलूचिस्तान के जो इलाकाई और मुंतखब नुमाइंदे भी, जिसमें साबिक एमएनए जनाब वज़ीर मोहम्मद हसन साहब, जनाब नजब साहब और दिगर हमारे महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिसर्स यहाँ स्टेज पर मौजूद है आज के इस खूबसूरत फाइनल मैच को देख रहे हैं। सईद कामल शाह को स्पेशल इनाम रखे हैं जनाब हाजी गुलाम हुसैन एंड सन्स, सईद कमाल शाह के खूबसूरत पोलो के खेल के इस पर जनाब मजाहिर हुसैन की तरफ से ट्रॉफी रखा गया है, उनके शुक्रिया अदा करते हैं। को गुलजार करूं
दूसरा हाफ शुरू हो चुका है। पहले हाफ के इख्तिताम पे स्कर्दू गोल 8 गोल करने में कामयाब हुआ था, जबकि स्कर्दू भी मल्टी पाकिस्तान वालों की जानिब से हमारे जो मौसीकार हैं इनके लिए मतलब 5,000 रुपये का ऐलानी नकद दिया है। मैं मल्टी प्राइस वालों के यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे जो मौसीकार हैं इनके हौसला अफजाई की। मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम ऐलान हमारे DIG साहब की जानिब से एक अहम ऐलान है कि जो भी खिलाड़ी हिट से डफुक से गोल करेगा इसके लिए 10,000 रुपये का ऐलान किया है। पहले ही जनाब कमिश्नर साहब ने भी ऐलान किया था जो भी हिट से गोल करेगा डफुक से उनको 10,000 रुपये। अब वो ये इनाम बढ़कर 20,000 रुपये हुए हैं। मैं खिलाड़ी से गुजारिश करता हूँ कि आप लॉन्ग हिट लगाएं और ऐलान पे ऐलान किए जा रहे जो ना होने वाले ऐलान है वो हमें खूबसूरत शॉट ख्वाजा जुनैद का इंतहाई बेहतरीन स्ट्रोक। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है किसी भी टूर्नामेंट में कि तंबू ठोके या गोल लाइन पर हमला कोई गोल करे वापस करने में कामयाब 6 नंबर के खिलाड़ी वजीर काजिम ने। आप अगर ऐलान करते हैं तो वैसे हिट के दौरान ऐलान करें ताकि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो। ऐसे ऐलान राजा जाफर अली खान की कयादत में होगा नहीं। इस वक्त अंचल के खिलाड़ी गोल करने में कामयाब है। तीसरा गोल कर दो घर पे चो 3 के जानिब से तीसरा गोल अंचल 8 खेल में दोबारा जान डालने की कोशिश कर रहे हैं ख्वाजा शुमाइल। हिट करेंगे सेंटर लाइन के करीब से खूबसूरत शॉट खेले हुए कामयाब लेकिन ब्लॉक कर दिया सैफ कमाल ने। 3-8 का ये मुकाबला जारी है। इस वक्त मकबूल आदिशाह खूबसूरत शॉट राजा जाफर खान के पास गेंद कल इंशाल्लाह ठीक 4 बजे शाहीन पोलो फुटबॉल ग्राउंड में शाहीन कलर और शिगरे कलान के दरमियान फुटबॉल का फाइनल मैच होगा। फुटबॉल के शायकीन के लिए अहम ऐलान कि कल 4 बजे म्यूनिसिपल स्टेडियम में शाहीन कलर और शिगरे कलान के माबेन फुटबॉल का फाइनल मुकाबला होगा। दानिश के साथ साथ वजीर बप्पो अपने दोस्तों के साथ और दुनिया के साथ ताकि ये मैच ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। शुक्रिया। यहाँ उस्ताद अली हसन के लिए खुशखबरी है, कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब ने ऐलान किया है कि इनको किसी महकमे में एडजस्ट किया जाएगा। ये खुशाइन है एक बेहतरीन फनकार को माली मावनत होगी और उसकी खूबसूरत जो सकाफती महारत है वो मजीद उसमें निखार आ जाए। इम्तियाज बाबू के पास गेंद फ्री शॉट का ये मुकाबला जारी है। इस वक्त मकपोन पोलो ग्राउंड स्कर्दू में 8 गोल कर चुके हैं
स्कर्दू ए जबकि स्कर्दू भी 3 गोल करने में कामयाब हुए हैं। सैयद कमाल सेंटर लाइन से गेंद को वापस किया। गोल लाइन पर हमला वापस करने में कामयाब। बल्तिस्तान के तारीख को लिए हुए हमारे यादगार शोधा हमारे सामने 1948 के शोधाओं का तमगा अपने सीने पर सजाए हुए ये यादगार हमारे असलाफ की कुर्बानियों और डुगरा राज के शिकस्त फाश का एक मोक गोल का सबूत। खूबसूरत बल्तिस्तान पुरअमन बल्तिस्तान सरजमी ने अमन और यहाँ के बासी हर तरफ से अपने इलाके के खूबसूरती को मजीद निखारने में मैजन है और यहाँ के वजीर बाबा ने बॉल को वापस किया। स्कूल्स और यहाँ के टूरिज्म के हवाले से सेहत के हवाले से इस वक्त स्कर्दू पाकिस्तान भर में तमाम पाकिस्तानियों की नज़र में सरबलंद। यहाँ के लोग खुश अखलाक खुश इल्हान और पुरामन लोग है और हमारे ज़िली इंतज़ामिया इसको चार चांद लगाते हैं। यहाँ टूरिज़म के हवाले इस वक्त स्कर्दू में टूरिस्ट एक खचाखच भरे हुए हैं। तमाम रेस्टोरेंट तमाम गेस्ट हाउस तमाम होटल्स भरे हुए हैं। मैं तमाम मेहमानों को जो हमारे दूसरे सूबों से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से और अहलियान बल्तिस्तान की जानिब से उनको खुशहाली कहता हूँ। हमारे यहाँ के रिवायात को आप मखलूद नज़र मोहम्मद नसीम साहब हमें जो है दुबई से थैंक यू सो मच। साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग स्ट्रीमिंग करते हैं और हमारा हौसला अफजाई करते हैं। खुशहाली और इसमें आपका अपना भी किरदार है। यहाँ हमारे पास सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है वो टूरिज्म है। आप चाहे शिगर जाकर केटू की तरफ ट्रेवल करें या गांचे के खूबसूरत वादियों में गशभ्रम माशुभ्रम के खूबसूरत सरबुलंद पहाड़ियों पर सर करें यहाँ के लोग आपको हमेशा इंतहाई मिलनसास और मेहमान नवाज मिलेंगे। हमारी आप टूरिस्ट हमारी खुशहाली का ज़ामिन है। मैं सरजमीन बल्तिस्तान पर आए हुए जितने भी मेहमान हैं इनको और आज के हमारे जो स्पेशल मेहमान हैं जनाब साकिब मियां साकिब साहब इनको यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से और हमारे राजा साहब की जानिब से और हमें खुशी है कि आप जनाब दानियाल शाह साहब सब हमारे स्ट्रीमिंग पे आते हैं और एंजॉय करते हैं। मैं इसको अपने तशरीफ रखते हैं खूबसूरत सरजमीन के लिए बल्तिस्तान से फ्री स्टाइल पोलो को आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और गोल करने में कामयाब स्कर्दू अंचल से कमाल शाह। इसके साथ साथ हमारे स्कर्दू से बल्तिस्तान से हॉकी का खिलाड़ी इस्लामाबाद में सूबाई हॉकी स्पेशल टूर्नामेंट में शिरकत की जिसमें स्कर्दू की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की
और क्रिकेट के टीम इस बार गिलगित में खेल रहे हैं स्कर्दू से, और कल इंशाल्लाह फुटबॉल के खिलाड़ी यहां से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। ये खेलों के फ्रोग हमारा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। आप हमारे स्कर्दू बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के आप सफीर होंगे। खुशरत शाह आज की जाने से गौर गोल करने में कामयाब। स्कर्दू ए की जानिब से 10 गोल स्कोर किया गया, जबकि स्कर्दू भी 3 गोल करने में कामयाब हुए। हमारे कतर से जुड़े हैं। 10 और 3 का ये मुकाबला जारी है। मकौन पूरे ग्राउंड स्कर्दू में है। इस दफा बहुत खुशी की बात है कि बल्तिस्तान भर से सीएसएस में भी बड़े अच्छे नंबरों से हमारे ऑफिसर्स ने इम्तिहान पास किए, जिसका हम अगर यहाँ जिक्र न करें तो इंतहाई नाशुक्री होगी। रहमत है कि हमारे यहाँ से हमारी बेटी और सबका मशहूर है क्या, आप लोग हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पे आते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं, हमारे हौसला अफजाई करते हैं। और फेस्टा के हवाले से हमारे इनको लेक्चर देने के लिए हमारे मोटरवे के पुलिस महारत रखने वाले हमारे ऑफिसर यहाँ आए हुए हैं। वो मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर ट्रैफिक के हवाले से लेक्चर दे रहे हैं, साथ जनाब डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से भी हमारे स्कूलों में विजिट कर रहे हैं और हमारे बच्चे के हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिसका मैं तमाम डीडीओस और तमाम प्रिंसिपल की जानिब से मैं एज ए टीटेक के उस्ताद होने के नाते मैं आपका यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ कि स्कूल के बच्चे जो है हमारे मुस्तकबिल है। इनके लिए आपने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रखे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के आपने शेयर कराए और लेक्चर्स दिए माहरीन से, और इसके साथ खेलों का सिलसिला भी रखे हैं और बच्चों में जो मुकाबले का जो रुझान है उसको उजागर किया है, वो भी सरकारी स्कूलों में। दूसरा हाफ जारी है, इस वक्त 10 गोल करने में कामयाब है स्कर्दू अंचल। ब्लू शर्ट में मलबूस स्कर्दू एक ही टीम, जबकि ऑरेंज शर्ट में मलबूस स्कर्दू बी की टीम। स्कर्दू बी अब तक 3 गोल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि स्कर्दू ए 10 गोल कर चुके हैं। मैच का ये सेकंड हमारे आज के खेल के जूरी है वजीर अख्तर सीनियर प्लेयर, आपका ताल्लुक शिगर से है, और दूसरा हमारे जूरी है जनाब डॉक्टर अली, आपका ताल्लुक जिला गांचे चरबट से हैं। आप लोग फैसला करेंगे कि किसका घोड़ा बेस्ट हॉर्स हो सकता है और बेस्ट खिलाड़ी हो सकते हैं। सईद कमाल शाह का शानदार शॉट, मुकाबला जारी है इस वक्त मकौन पोल ग्राउंड स्कर्दू में। 10 गोल कर चुके हैं मकौन स्कर्दू ए के जानिब से, जबकि स्कर्दू बी 3 गोल कर चुके हैं। हमारे आज के इस टूर्नामेंट के मेहमान हैं खुसूसी जनाब शुजा आलम कमिश्नर टूर्नामेंट का ये फाइनल पाकिस्तान की स्क्रीन पे, जनाब डीआईजी फराह रशीद साहब बल्तिस्तान रीजन, शेर यार शिराजी साहब डीसी। हम आप तीनों के इंतहाई मशहूर ममनून है कि आप लोग यहाँ अपने आवाम में तशरीफ लाएँ और अल्लाह अपने इलाकाई खेल के फरोख के लिए
आपने स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट को मुनक़िद किया और साथ साथ ही मैं फैसल बैंक के मैनेजर जनाब शाही दीवान के आनर काचो वकार अहमद मकबून का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा खेलों के फरोग के लिए अपने हिस्सा डालते हैं। आप न सिर्फ खेलों के फरोग के लिए मेहनत कोशिश करते हैं बल्कि आप खुद बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और आपने अपने शाही दीवान के नाम से एक टीम भी निकाला था जिसमें आपके तीनों भाई काचो नवीद अहमद मकबून काचो एहतिशाम अहमद मकबून ने भी इसमें रिप्रेजेंट किया और खूबसूरत खेल पेश की जिसका इंतहाई भरपूर मुकाबला कर रहे हैं ख्वाजा जुनैद। खेल के आखिरी लम्हात वजीर काजिम इम्तियाज बाबू नौजवान खिलाड़ी इम्तियाज बाबू चतराल से हमें जुड़े हैं बशीरुल्लाह सिद्दीकी साहब, आपका शुक्रिया सर। ख्वाजा शमाइल घर पहुंचो के कप्तान, कोई खास कारकर्दगी दिखाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। खेल के आखिरी लम्हात ख्वाजा शमाइल खरपुचो के टीम कप्तान जो अपनी टीम के लिए गोल करना चाहते थे लेकिन गेंद को वापस कर दिया स्कर्दू अंचन की खिलाड़ी ने। इस तरह आबिद के पास गेंद स्कर्दू अंचन की खिलाड़ी
फर्स्ट पोलो टूर्नामेंट का आज इख्तिताम। अब से कुछ लम्हों के बाद हमारे मेहमानान ग्राउंड में तशरीफ ले जाएंगे और इनामात तस्लीम करेंगे। यहाँ ये स्पेशल ऐलान करूँ, जनाब कमिश्नर साहब ने और डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये ऐलान किया है कि उस्ताद अली हसन के लेके नौकरी का जो ऐलान किया है, मैं राजा जाफर अली खान की जानिब से और तमाम आवाम की जानिब से जनाब कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अली हसन उस्ताद अली हसन के लिए जो आपका सिलसिला आपने ऐलान किया है। तालियों में तमाम आवाम की जानिब से तालियां बजाएं। उस्ताद अली हसन के लिए नौकरी का इंतज़ाम यहाँ हो चुका है। मैं आवाम की जानिब से, राजा साहब की जानिब से, पुलिस स्टेशन की जानिब से, जनाब कमिश्नर बल्तिस्तान और डिप्टी कमिश्नर बल्तिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही आप से गुजारिश है कि आप हमारे मेज़बानों के साथ और जो हमारे गेस्ट हैं नीचे ग्राउंड में तशरीफ ले जाएं और आज के अपने दस्ते मुबारक से इन खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करें। मैं तमाम फोटोग्राफर्स, टिकटॉकर्स और जो हमारे मोबाइल पर खेलों को शेयर करते हैं, इस टूर्नामेंट को शेयर कर रहे हैं, इनका भी कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से और राजा जाफर अली खान की तरफ से इन तमाम टिकटॉकर्स और कैमरामैन के शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने लाइव और दीगर ज़राए ब्लॉग के जरिए इस खेलों को अपने इलाके के लोगों तक पहुँचाया। और जिन्हें भी अखबारी नुमाइंदे हैं, जिनने शायर्स हैं, जिनने सकाफती लोग यहाँ तशरीफ लगे हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशल इनाम रखे पर जनाब मज़ाहिर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलाम हुसैन इंसन, आपने बेहतरीन खेल पेश करने पर सैयद कमाल के लिए स्पेशल गिफ्ट रखे हैं, ट्रॉफी रखे हैं। और अली हसन को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपका नौकरी पक्का हो चुका है। अब इनामात का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब कमिश्नर बल्तिस्तानी जन शुजा आलम साहब से कि
अच्छे उस्ताद, बहुत अच्छे। शुरू हुआ जाता है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब कमिश्नर पाकिस्तान शुजा आलम साहब से कि आप अपने दस्त मुबारक से खिलाड़ियों में इंतजाम इनाम इंफरादी नाम के लिए जनाब राजा जाफर अली खान मखौन साहब, तालियों की गूंज, बहुत अच्छे। ये पुलिस वालों से गुजारिश है कि सैफुल को हटाएं और सईद कमर शाह, इम्तियाज बाबू, वजीर काजिम बपो, इफ्तिखार, आबिद। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब शहरियार शहराजी साहब डिप्टी कमिश्नर सिकरदू, आप अपने मुबारक हाथों से बाकी मानदा खिलाड़ियों में तकसीम करेंगे इनाम। डीआईजी पाकिस्तान जनाब फर्रुख रशीद साहब, आपसे इतमास है कि बाकी मानदा खिलाड़ियों में तकसीम में इनाम का सिलसिला जारी रखा जाए। तो रनर अप आगा जाफर। अमजद खरपुतों की टीम, अमजद ख्वाजा जुनेद, ख्वाजा इस्माइल, दानिश, यूसुफ, इंफरादी नाम के लिए मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से नाम दे दें। म्यूजिशियन उस्ताद करीम, जूरी गोल, दोनों गोल जिससे गुजारिश है कि आपने इंफरादी नाम ले लें। स्कोरर, जो स्कोरर है वो भी यहाँ तशरीफ लाए और अपना इंफरादी नाम ले लें। जो गोल के जो झंडा लेके बैठे थे, इन दोनों से गुजारिश है कि आप अपना नाम ले लें। जूरी वजीर अख्तर हुसैन, स्कोरर जूरी डॉक्टर अली, फायर ब्रिगेड के इंचार्ज वजीर अख्तर, यहाँ जूरी आज के जूरी है, इनका इनाम ले ले कोई, वजीर अख्तर का इनाम ले ले, फायर ब्रिगेड के इंचार्ज आपसे गुजारिश है कि आप इंफरादी नाम ले ले। ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज से गुजारिश है कि अपना इंफरादी नाम ले ले, ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज
ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज आपसे गुजारिश है, वेस्ट मैनेजमेंट के इंचार्ज, वेस्ट मैनेजमेंट के इंचार्ज आपसे गुजारिश है इंफरादी इनाम ले लें। वेस्ट मैनेजमेंट के इंचार्ज कमेंटेटर काचे इफ्तिखार अहमद नारायण फलाह इनाम और काचे वकार अहमद ले लें। कमेंटेटर डॉक्टर अली, स्पोर्ट ऑफिसर जनाब बाकर साहब, बेहतरीन घोड़ा ख्वाजा जुनेद, बेहतरीन खिलाड़ी राजा जाफर अली खान, जनाब मजाहिर हुसैन की जानिब से, गुलाम हुसैन एक सर की जानिब से सईद कमाल शाह के लिए एक स्पेशल ट्रॉफी है। मजाहिर साहब से गुजारिश है कि आप अपने दस्त मुबारक से सईद कमाल के लिए ट्रॉफी दे दें। कमिश्नर बल्तिस्तान रजन की जानिब से आगा साजिद के लिए स्पेशल इनाम, आगा साजिद अब्दुल अजीज खिलाड़ी जो हर तरफ खेलते हैं गेम में। और रनर ट्रॉफी लेने के लिए कासिम शुमाइल रनर ट्रॉफी देंगे जनाब कमिश्नर बल्तिस्तान डीआईजी रीजन बल्तिस्तान, बल्तिस्तान रीजन कासिम शुमाइल आज के रनर खिलाड़ी कासिम शुमाइल फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी हासिल करेंगे। विनर टीम के कप्तान राजा जाफर अली खान, आपके लिए खूबसूरत ट्रॉफी पाकिस्तान रीजन कमिश्नर डीआईजी डिप्टी कमिश्नर टूरिज्म डायरेक्टर टूरिज्म और असिस्टेंट कमिश्नर और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से राजा जाफर अली खान का मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही नियाज आतिफ साहब जो हमारे लाहौर से तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान के आवाम की जानिब से इंतजामिया की जानिब से आपका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली इस्तेहकाम के लिए दुआ करते हुए पोलर स्टेशन के कमिटेंडर काचो इफ्तिखार अहमद नौफन की जानिब से आप तमाम पोलो के शायकीन और तमाम पोलो टूर्नामेंट में सलिया जो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहे हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ हमेशा से इसी तरह जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।